वहीं अगर बात की जाए सरसों की, तो सरसों में भी उठापटक का माहौल है, सरसों भी ऊपरी स्तरों से ही लुढ़की है, जबकि त्योहारी सीजन के चलते सरसों में एक मांग की उम्मीद है कि सरसों में तेजी बन सकती है, लेकिन कितनी तेजी बनेगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर सरसों यहाँ से सस्टेनेबिलिटी आती है तो सरसों के अंदर आप मान के चलिए कि ऊपर में अगर 8500 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी सरसों दिखाती है तो वहां से फिर तेजी पकड़ सकता है और 8800 से 9000 का स्तर भी संभव है कि सरसों के अंदर देखने को मिल जाए नवंबर वायदा में। फिलहाल एक्सपायरी के चलते भी दबाव बना हुआ है और आगे त्योहारी सीजन भी है तो उम्मीद है कि तेल की मांग बढ़ सकती है और इस वजह से सरसों की कीमतों में थोड़ा बहुत सपोर्ट आना यहां से संभावित है। तो माना जा रहा है कि नवंबर वायदा 8400 के आसपास बाइंग किया जा सकता है और छोटा सा स्टॉप लॉस है इसके अंदर 8340 का स्टॉप लॉस लगाना है 60 पॉइंट का और ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइजेस जो है 8500 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इसको ऊपर में 8800 से 9000 तक खींचकर ले जा सकती है। तो 9000 के स्तर सरसों में संभव है, लेकिन अगर ये स्तर इस हफ्ते के दौरान मतलब 15 से 20 दिन के अंदर ही संभव है, देखने को मिल सकते हैं। अगर तेजी बनी तो ये 15 से 20 दिन में बन सकती है, अदरवाइज बाजारों के अंदर वहां से फिर गिरावट का दौर गहरा सकता है। तो 15-20 दिन की आप तेजी मान के चलिए सरसों में आ सकती है अगर आई तो, अदरवाइज उसके बाद जो है बाजारों के अंदर फिर से गिरावट हावी होती हुई दिखाई देगी। तो जिनके पास भी माल रखा हुआ है वो मेरे हिसाब से जो भी बाउंस बैक अब इस त्योहारी सीजन के अंदर देखने को मिले वहां पर धीरे धीरे अपने माल को लिक्विडेट करते चले, ज्यादा लंबे समय तक अपने माल को होल्ड ना करें।